सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। बाबा साहब के 63 में परेड निर्माण दिवस के अवसर पर ये बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमारे सम्मानित लालाराम मेहता जी, भूपेंद्र आर्या जी, युगल किशोर कुशवाहा जी, धनश्याम अग्रवाल जी, श्रीमती राधा शर्मा, रतनलाल अहरवाल जी, पवन चौधरी, कैलाश नारायण कुशवाहा जिलाध्यक्ष, कैलाश साहुपुर। आज हम लोग परम पूज बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब 63वां परिनिर्वाण दिवस पूरे देश में गोंडन समाज के साथ साथ सब समाज के लोग उनके भावभीनी श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है आज। और उनके किए हुए दलितों, शोषितों, पीड़ितों और पिछड़ों के साथ साथ सर्व समाज के गरीब लोगों की भलाई के लिए जो उन्होंने काम किए हैं, एक ऐसा संविधान दे के गए हैं इस देश में जिस संविधान की बदौलत आज बहुजन समाज के लोग मान सम्मान से जिंदगी जी रहे हैं। अगर बाबा साहब ना होते तो आज इस देश में बहुजन समाज की हालत बद से बदतर होगी। इसलिए बाबा साहब के किए हुए उनके योगदान को हम लोग यहाँ हमारे वक्ता रख रहे हैं और उन्हें भावहीन श्रद्धांजलि हम लोगों का ये कार्यक्रम है श्रद्धांजलि। आज बाबा साहब जो हमारे संविधान के रचयिता हैं उनकी पुण्य स्मृति में उनकी पुण्यतिथि पर आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और अब जन सैलाब में जो उनके लिए मान सम्मान है, जो प्रेम है, वो आप उपस्थित भीड़ से अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी श्रद्धा उनके लिए रखते थे। और उनके बताए हुए संविधान पर, उनकी सिखाई हुई शिक्षा के ऊपर लोग चलना चाहते हैं, वही संदेश आज हम लोग भी इसी माध्यम से दे रहे हैं और जनता को ये बताना भी चाहते हैं कि बाबा साहब का संदेश अगर वाकई किसी ने उनकी शिक्षा आगे बढ़ाई है, उनकी सोच को पलट पर दिखाया है, तो कांशीराम जी ने और अभी इस समय जो कर रही हैं बहन मायावती जी। कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।